कबड्डी लीग का 999th मुकाबला पटना पायरेट्स और दिल्ली के बीच में। पटना पायरेट्स के पिछले 5 मैचेस के रिकॉर्ड आपके सामने हैं, केवल 2 जीत मिली हैं, बैक टू बैक 2 हार के साथ आ रहे हैं। सचिन तंवर काफी ब्राइट नजर आ रहे हैं आज की शाम। और वहीं सामने दिल्ली के दबंग उनका इंतजार कर रहे हैं आशु मलिक, टॉप फॉर्म में। पिछले 5 मैचेस में देखिए एक भी लाल बत्ती नहीं है, यानी कि एक भी मुकाबला वो हारे नहीं है। अब से कुछ समय पहले टॉस हुआ, दबंग दिल्ली ने टॉस जीता, पहली रेड पटना पायरेट्स की होगी। सचिन तंवर संभवतः पहली रेड के साथ दिखेंगे। जयपुर के कड़ाके की ठंड के बीचों बीच कबड्डी की गर्मी, पटना पायरेट्स और दबंग दिल्ली के बीच में प्रो कबड्डी के इतिहास का 999वां मुकाबला। सचिन तंवर 99 की जर्सी पहन के उतरे हैं पहली ही रेड पर, और सेम वैसा ही अटैक लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आते से ही अटैक मारा, बोनस कंफर्म किया। कंफर्म नहीं हुआ क्या? बिल्कुल ऐसा लगा था एक लम्हे के लिए कि शायद यहां बोनस होगा, लेकिन बोनस हुआ नहीं। 291 रेट पॉइंट है 10/10। आशु को इस सीजन 100 का आंकड़ा पूरा करने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट की जरूरत है। चौथे रेडर होंगे इस सीजन में जो 100 का आंकड़ा पार करेंगे। इंतजार करना होगा उसका, क्योंकि आशु मलिक पहली ही रेड में बाहर हुए हैं। पटना पायरेट्स का डिफेंस, अंकित ने रोका है आशु मलिक को। बहुत ही बेहतरीन वो डाइव एंकल के ऊपर, और उसके बाद नीरज का सपोर्ट। नरेंद्र रेडू कोच पटना पायरेट्स, अपनी टीम का संचालन बेहतरीन अंदाज से कर रहे हैं। सचिन तंवर ऑन द अदर हैंड एक बेहतरीन चपल रेडर, अलग अलग टीम्स का अलग अलग घाट का पानी पीकर आए हैं। पिछले 5 मैचेस में देखे उन्हें 2 सुपर 10 लगा चुके हैं, लेकिन दोनों ही टीम्स के स्ट्राइक रेडर्स बाहर हुए, इधर से आशु और उधर से सचिन। खाता खोला है डिफेंस में दोनों टीमों का। मोहित का चेन टैकल बहुत ही जबरदस्त। यार रिस्क लेने की जरूरत नहीं यहाँ पर, डिफेंस को रिस्क लेना है तो रेडर को लेना होगा, और वो रिस्क लिया, लेकिन रिस्क रेडर फेल हुआ। 1 पॉइंट पट्टा पायरेट्स। और इन पोजीशन से नीरज ने वो टैकल इनिशिएट किया, डबल थाई होल्ड पे गए मंजीत के, राइट मौका दिया नहीं एस्केप करने का, पूरे टीम का सपोर्ट साथ में मिला उनको। पिछले 5 मैचेस में देखिए, खासतौर पे पिछले 4 मैचेस सुपर 10 पे, सुपर 10 लेकर गए हैं अपना पहला पॉइंट उन्होंने आज की शाम का कमाया। दबंग दिल्ली जर्सी नंबर 4 आउट। एम सुधाकर एक बार फिर आए हैं रेड पर, ये तीसरी रेड है सुधाकर की। टू टच के माहिर खिलाड़ी हैं, बहुत ही स्विफ्ट टू टच करते हैं, और यहां एडवांस टैकल करने की मंजीत ने गलती की। खमियाजा चुकाना पड़ेगा, खमियाजा चुका दिया। और मंजीत एज अ रेडर पॉइंट लाना चाहिए डिफेंस में, गलती कर बैठे। एक ऐसी लीग जिसने भारत में कबड्डी में एक नई जान फूंक दी, मिट्टी से जुड़े एक खेल को कहां से कहां पहुंचा दिया, काबिले तारीफ। और यहां नीतू को सफलता मिली, नीरज को उन्होंने बाहर किया। 1 पॉइंट दबंग दिल्ली जर्सी नंबर 5। बहुत ही अच्छा ये रनिंग एंड टच नीतू का, नीरज को टारगेट किया, बहुत ही सही समय पे ये पॉइंट आता हुआ। 4-4 का आंकड़ा है दोनों टीमों के बीच में। पटना पायरेट्स को दबंग दिल्ली ने इस टूर्नामेंट में एक बार हराया है इस सीजन में, उसी का बदला लेना चाहेंगे। बेहतरीन बैक किक आशु मलिक की, लेकिन डिफेंस सही समय पर आया है। क्या किसी डिफेंडर का हाथ या पैर मिड लाइन क्रॉस किया है, देखना होगा। बोनस की कोशिश थी मनीष आए थे डैश के लिए, देखना होगा कि आशु का जो हाथ है वो क्रॉस कर गया, हल्का सा हाथ 3 पॉइंट शायद मिड लाइन को लगा हुआ है। दबंग दिल्ली ये सुपर रेड हो गई, बिल्कुल हाथ मिड लाइन को क्रॉस किया था। पटना पायरेट्स चैलेंज रेडर आउट, ऑल डिसीजन रेडर से 3 पॉइंट्स प्लीज रिव्यू। उंगलियां जरूर पार हुई है, यहां से नजर रखें दो खिलाड़ी, तीसरा खिलाड़ी, ओ बिल्कुल ये छोटी उंगली पार हुई है उस मिड लाइन के पार। रिव्यू अनसक्सेसफुल, बोनस प्लस 3 पॉइंट्स दबंग दिल्ली, नंबर 2 प्लस 3 पॉइंट्स, कैप्टन नो मोर रिव्यूज। रिव्यू के बाद 4 पॉइंट मिल गए हैं। आहा बढ़िया, यहां पर सचिन तंवर का कमबैक।
जर्सी नंबर 11 आउट। बढ़िया एस्केप यहां सचिन का, बहुत ही एक क्विक एस्केप था सचिन का। पटना पायरेट्स बोनस करने की कोशिश, फेक बोनस किया। पिछली रेड से उत्साहित हैं, कुल मिलाकर 5 पॉइंट्स उनके ऑलरेडी हो चुके हैं। और ये देख लीजिए दूसरा जो 11 से 20 मिनट का समय है उसमें 44 लेकिन पहले में 64, यानी कि सबसे बढ़िया प्रदर्शन। दबंग दिल्ली एक और यहां पॉइंट मिला, बड़ा शिकार नीरज बाहर गए। आशु लगातार प्रभावित करते हुए बहुत ही जबरदस्त एस्केप टर्न किया। पिछली 5 रेड्स में आशु मलिक बढ़िया फॉर्म में, 6 पॉइंट्स इनके नाम। एक सेल्फ आउट हुए, सचिन तंवर भी बाहर गए। 2 पॉइंट्स दबंग दिल्ली जर्सी नंबर 12 और 99 आउट। दो खिलाड़ी बाहर गए, अब ऑल आउट बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा पायरेट्स के लिए। बिल्कुल एक डिफेंस प्रेशर से आउट हुए, दूसरी बार सचिन को हैंड टच करके आउट किया आशु मलिक ने। मंजीत का ये बहुत ही खूबसूरत बैक किक आशीष के ऊपर, बचा ले गए ऑल आउट से बचा ले गए पटना पायरेट्स को। और ये अच्छी खबर है इस पहले चरण के बाद में, आशु मलिक ने मूव करके दिखाया है नवीन की गैर मौजूदगी में। यहाँ सुपर टैकल कर दिए गए आशु, मनीष पीछे की तरफ ले गए, कितनी समझदारी दिखाते हैं डिफेंडर्स। तारीफ करना चाहूंगा मंजीत की, बहुत ही सुंदर टैकल देखने को मिला यहाँ, रॉफ सुपर टैकल, मगर की जकड़ से बचना मुश्किल। और यही बोला था नरेंद्र रेडू ने, यही बोला था कोच साहब ने कि मंजीत को बचा कर रखना, लेकिन मंजीत ने बोला मैं तो बचूंगा, रेडर को नहीं बचने दूंगा। मंजीत आए हैं, टच पॉइंट अगर लेकर के आएंगे तो टीम के लिए बेहतर होगा, लेकिन कई टीमें सुपर टैकल सिचुएशन में भी खेलना चाहती हैं, लेकिन जैसे ही डबल थाइस पर गए, विक्रांत वहां मौजूद थे, डबल थाइस पर गए और हिलने का मौका भी नहीं दिया उन्होंने। बहुत ही जबरदस्त ये डबल थाई होल्ड, मोहित लगातार अंकित पर प्रेशर बना रहे हैं, दो हैं प्लेयर्स, एक कम से कम लेना चाहेंगे ताकि ऑल आउट के नजदीक लेकर आए। बिल्कुल यहां पर मोहित को बाहर किया, मनीष थे ये। जयामीतू की बढ़िया यहां पर पोजीशनिंग, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अपने बॉडी को आगे की तरफ धकेला और ये पॉइंट लेकर गए। सुधाकर आ गए हैं, क्या आप सुधाकर बचा पाएंगे पटना पायरेट्स को ऑल आउट होने से? पिछली बार विक्रांत ने रोक लिया था, मौका है सुधाकर के पास, वक्त निकल रहा है, ऑल आउट के दहलीज पर जाएंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे, बिल्कुल ऑल आउट हो जाएंगे। बोनस पॉइंट पटना पायरेट्स, बोनस जरूर लेकर के गए लेकिन इसके साथ ही टीम ऑल आउट हो गई। जिंदगी में घर बनाने का और शोहरत कमाने का मौका एक बार मिलता है, प्रो कबड्डी में ऑल आउट के बाद आप ऑल इन भी होते हैं, तो वक्त है पक्का लेने का, लीड बढ़ती जा रही है। बहुत ही जबरदस्त डैश है विक्रांत का, एक सीमित दायरा सिर्फ डिफेंस में दिया, सी फॉर्मेशन में खेलता हुआ डिफेंस, पैरों पर गए लेकिन मिडलाइन को क्रॉस नहीं कर पाए। विक्रांत का ये अद्भुत टैकल, थोड़ा जोखिम था लेकिन कामयाब हुआ, बहुत ही बेहतरीन टैकल ये विक्रांत का। कवच की दिक्कत थी दबंग दिल्ली की, पर आज वो भी भर के निकली है पूरी तरह से। मीतू क्या बढ़िया स्ट्रेच लगाने की कोशिश यहां पर, सीजन 10 में जो सीधे डिफेंडर्स की गोद में मीतू शर्मा, बहुत ही अच्छा टैकल ये कृष्ण दुल का, चेन लेके आए थे कृष्ण दुल और सुधाकर, कॉम्बिनेशन देखने मिला, कृष्ण दुल ने वो डैश किया, सुधाकर ने पैरों को टारगेट किया। सचिन तंवर पिछली रेड पे और यहां फिर कामयाब होंगे, इकलौता पॉइंट मिलेगा लेकिन एक पल के लिए लगा कि योगेश के अलावा भी शायद एक पॉइंट और मिलना चाहिए था। बहुत ही अच्छा ये रनिंग हैंड टच योगेश के ऊपर, दोनों पैरों पे टैकल इनिशिएट किया था पर ग्रिप बना नहीं पाए योगेश, एस्केप करना आसान रहा,
Dabang Delhi challenge, only one touch point. Our decision, 2 points, one touch point, and one defender out of bounds. Please review. Pahla sparsh, kya haath pe hua hai? Second man ke Vikrant wahan maujood the, aur uske baad Ashish aaye the. Kya wo bhi touch hua hai? Review successful. Only 1 point, number 9 out. 1 point, Patna Pirates. Captain, your review retain. Rishank ko wo raat yaad aati hogi. Kitne kareeb the aap wo trophy uthane ke bhi. Aur yahan par ek defender bahar gaya hai. Chandel ko bahar jana hoga. 1 point. Bina risk ke liye hi ek point mila Sachin. रनिंग हैंड टच करने की कोशिश सचिन की नितिन पर अपना नियंत्रण खोया नितिन चांडेल ने लाइन पर आउट हो गए कल की शाम दोस्तों 1001 का पंगा जयपुर पिंक पैंथर्स और जी मुंबा के बीच में जुड़िएगा हमारे साथ क्योंकि ये आपका खेल है और आप ही ने इसे बनाया है जिस मुकाम पर आज ये पहुंचा है अंकित जागलान बाहर गए चलते चलते हाफ टाइम से ठीक पहले अपनी लीड को और कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं दबंग दिल्ली सचिन तंवर पकड़ लिए गए मनजीत ने इस बार टैकल करने में कामयाबी हासिल की दबंग दिल्ली वैसे तो रेडर है लेकिन कई बार ऑलराउंडर के तौर पर अपनी भूमिका अदा करते हैं हाफ टाइम चेंज द कोच बहुत ही बढ़िया टैकल यहां मनजीत का और इसके साथ ही पहला हाफ इस मुकाबले का यहीं पर समाप्त हुआ आशु मलिक अब तक 9 रेड पॉइंट्स बना चुके हैं आमतौर पर पहले हाफ में वो अपना सुपर 10 पूरा करते हैं कुल मिलाकर 11 रेड में 9 रेड पॉइंट्स अद्भुत प्रदर्शन निरंतरता के साथ खेल रहे हैं 6 पॉइंट से पिछड़ रहे हैं कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं बिल्कुल और ये फासला पल भर में खत्म हो सकता है नीतू गए हैं रेड पर पहली रेड हाफ टाइम के बाद की 5 का डिफेंस है नीतू शर्मा सिर्फ 2 रेड पॉइंट आज अपने नाम ला सके हैं वैसे भी ये पूरा सीजन 10 में 10 मैचेस खेले और कुल मिलाकर 20 रेड पॉइंट है और डू अडाई में नीतू आए हैं डिफेंस अब खामोश दिखेगा दिखना भी चाहिए रनिंग किक लगाने की कोशिश कामयाबी मिली नहीं वक्त निकल रहा है और ये कामयाबी मिल गई एक नहीं 2 पॉइंट लेकर के बैटिंग टू 4 एंड 5 आउट बहुत ही बेहतरीन ये मितु का एस्केप सब्स्टिट्यूशन कृष्ण बंगले पर अटैक किया उसके बाद पीछे आए थे नीरज शॉट आंकड़ा वैसे भी पार कर चुके हैं और ये सुपर 10 आशु मलिक ने अपना सुपर 10 पूरा किया दबंग दिल्ली पिछले 4 मैचेस में जब भी उन्होंने सुपर 10 पूरा किया है उनकी टीम जीती है मुकाबले को पटना पायरेट्स को यह आंकड़ा ध्यान में रखना होगा और तुरंत वापसी की तैयारी करनी होगी असफल टैकल 12 आशु मलिक बड़ी आसानी से यहां पर एक और पॉइंट लेकर गए एक और बार पटना पायरेट्स को ऑल आउट के करीब धकेल दिया है जर्सी नंबर 14 आउट फिर वही सिचुएशन फिर वही मंजीत पटना पायरेट्स के पास अब भी मौका है क्या मंजीत फिर रिवाइव करा पाएंगे बिल्कुल रिवाइव किया उन्होंने ऑल आउट के खतरे को टाल दिया फिलहाल एक लम्हे के लिए मोहित को बाहर किया लेकिन ऑल आउट के खतरे को पूरी तरह से टालना होगा बहुत ही अच्छा ये हैंड टच मंजीत का मोहित के ऊपर और पिछली बार मंजीत ने सुपर टैकल किया था आशु मलिक को सिमिलर सिचुएशन थी लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर पाएंगे इस बार मंजीत ने रिस्क नहीं लिया अंकित जागलान सचिन तंवर के चेहरे के भाव बता रहे हैं उन्हें पता है कि आज की रात आशु मलिक का जलवा है 7 पॉइंट का फासला मंजीत के पैरों पर गए और उसके बाद कॉम्बिनेशन टैकल देखने को मिला और इसलिए मंजीत कामयाब नहीं हो पाए ऑल आउट हो गई इसके साथ ही पटना पायरेट्स जिंदगी में घर बनाने का और शोहरत पाने का मौका एक बार भले ही मिलता हो लेकिन प्रो कबड्डी में आप ऑल आउट के बाद ऑल इन होते हैं
अभी भी मौका है, लेकिन क्या कोई डिफेंडर सेल्फ आउट हुआ है? बिल्कुल संजय दा, योगेश जो है वो पहले सेल्फ आउट हुए, कॉन्टैक्ट होने के पहला योगेश का जो पैर है वो बाहर आया था, उसके बाद कॉन्टैक्ट हुआ योगेश का, शायद से डिफेंडर आउट दिए जाएंगे, रेडर को सेव दिया जाएगा। बोनस पॉइंट, बचा ले गए। नीतू को कई मौके मिले हैं इस पूरे सीजन में, लगातार मौके मिले हैं, आज उन्होंने थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर किया। रनिंग हैंड टच किया यहां संदीप ने, कामयाब होंगे। अब 9 पॉइंट का फासला हो गया है, इस फासले को जल्दी से जल्दी काटिए। संदीप बहुत ही क्विक है अपने फुटवर्क के साथ, विक्रांत को उन्होंने टच करके बाहर किया, बढ़िया प्रहार संदीप का। राइट कवर पे बार बार अटैक कर रहे हैं संदीप, इसके पहले मोहित को आउट किया था और अभी विक्रांत को। बुल्स को हमने देखा है 12 या 13 पॉइंट से लीड करके वापस लौटते हुए, लेकिन यहाँ पटना पायरेट्स ऐसा लग रहा है कि उनकी एक मेंटल ब्लॉकेज हो गया है तमाम दिल्ली के खिलाफ इस मुकाबले के अंदर। बहुत ही सॉलिड ये एंकल होल्ड आशीष का, डीप आए थे संदीप, बैलेंस खोया अपना, मौका देखते ही वो एंकल होल्ड किया आशीष ने। पटना पायरेट्स के 6 खिलाड़ी इस वक्त मैट पर, मारने की बात कही और डाइव मारी गई यहाँ, रेडर आउट। तारीफ है यहाँ नीरज के ब्लॉक की, ब्लॉक ऐसा किया कि बॉडी को पूरी तरह से झटका दे दिया ताकि उनका फोर्स किसी तरह से उनके नजदीक आ ना पाए। और अंकित की भी तारीफ करना चाहूंगा, जैसे एंकल होल्ड से मोमेंटम तोड़ा सामने नीरज वो डैश लेके। सचिन तंवर, पटना पायरेट्स की उम्मीद, क्या वो पटना पायरेट्स को आज के इस मुकाबले में लौटा सकते हैं? लगता तो नहीं, यहाँ एक बार फिर बाहर हुए सचिन तंवर। अब यही दिक्कत है, सचिन तंवर से सबसे उम्मीदें हैं ज्यादा और आज वही नहीं चल रहे, लगातार डबल अटैक हो रहा है सचिन पर। और जिस बोनस की डिमांड की है कोच ने, क्या वो बोनस अटेम्प्ट करेंगे मंजीत? वापसी करना मुश्किल नहीं टीमों के लिए, लेकिन 10 पॉइंट से ज्यादा पिछड़ते पर केवल एक ही टीम कर पाई है, वो है बेंगलुरु बुल्स। बिल्कुल इस सीजन में ऐसा एक बार हुआ है, लेकिन पिछले सीजन में कई बार हमने 10 से ज्यादा पॉइंट्स की लीड को घटते हुए देखा है। यहाँ बढ़िया यहाँ पे स्लाइडिंग टो टच की कोशिश, एस्केप, लेकिन पटना पायरेट्स का डिफेंस कामयाब। ये फोर्स पर डिफेंस किया गया है, ताकत के साथ इसे बचाव किया गया है, बढ़िया कॉम्बिनेशन टैकल। बिल्कुल राइट कॉर्नर पे आ गए थे नीरज, क्या बेहतरीन प्रदर्शन संदीप कुमार की तरफ से। विक्रांत वो पहले हाफ के बाद से पूरी तरीके से अपनी स्टीम को खो चुके हैं, थोड़ा सा धीमा हो जाते हैं आशु मलिक, और हमने देखा अक्सर उनका जो सुपर 10 होता है वो पहले ही हाफ में हो जाता है। टैकल पॉइंट्स देख लीजिए, दोनों टीमों के तकरीबन बराबरी पर हैं, और यहां नीरज को फिर बाहर किया। इस वक्त इस टीम को जरूरत है रेड पॉइंट्स की। ड्रीम 11 गेम चेंजर विनर ऑलरेडी पहुंच गए अपने स्पेशल प्लेस पर, जहां से हमने उनको मैच देखने के लिए टिकट दी। और यहां पर क्या एक डिफेंडर सेल्फ आउट, देखना होगा। ये 11 नंबर संभवतः पूरी तरह से बाहर आ गए हैं, जो ऑरेंज कलर की लॉबी है आप उसे पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते। उसके पहले योगेश भी जो थे वो एंड लाइन को क्रॉस कर चुके थे या नहीं, ये देखना होगा, शायद योगेश को आउट दिया जाएगा। रेडर सेफ है, राशु मलिक प्रेशर डालते हुए रेड में, और क्या प्रेशर बना रहे पटना पायरेट्स के डिफेंडर्स दिल्ली के ऊपर। पटना पायरेट्स ने पासा पलट दिया यहां पर, अब ये डिफरेंस केवल 6 पॉइंट्स का रह गया। बिल्कुल वापसी की शुरुआत करती है पटना पायरेट्स ने। अब एक बार ये फिर मीटिंग क्यों हो रही है, ये देखिए यहां डैश आउट करने की कोशिश थी, मिड लाइन तक उंगलियां आई जरूर थी,
लेकिन ऐसा दिखा नहीं कि मिड लाइन क्रॉस हुआ हो। बिल्कुल रेडर को जाना होगा। वन पॉइंट पटना पायरेट्स, छह पॉइंट्स का फासला। पायरेट्स वापसी पर, दबंग दिल्ली ऑल आउट के नजदीक, लेकिन ये सुपर टैकल इस समय भारी पड़ेगा पायरेट्स के ऊपर अगर ये कन्वर्ट हो गया। क्या फिर कोई सेल्फ आउट हुआ है? इंतजार कीजिए। सुपर टैकल, टू पॉइंट ड्रॉप, सुपर टैकल यहां कन्वर्ट हो गया, मगर चक्कड़ से निकल पाना आसान नहीं। और ये जले हुए नमक डालने जैसा है। अब दबंग दिल्ली के सिर्फ दो प्लेयर हैं, लेकिन एक प्लेयर जो बाहर बैठा है येलो कार्ड के साथ, वो भी इस फहरिस्त में शामिल होगा। यानी कि तीन प्लेयर सभी माने जाएंगे दबंग दिल्ली के। आठ पॉइंट का फासला और इसके साथ ही अंकित ने यहां पर कमाल कर दिया। दबंग दिल्ली ऑल आउट। सवाल अगर आपके मन में ये है कि वो एक खिलाड़ी जो सस्पेंड हुआ उसका क्या होगा, उसे भी इसी फहरिस्त में लिया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा शायद। अब यही पूछ रहे हैं सवाल वहां पे खोकर साहब। ऑल आउट नहीं हुई है टीम, लेकिन ऑल आउट दे गई है। 999 मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा दादा। बिल्कुल, एक प्लेयर अगर सस्पेंडेड है तो वो ऑल आउट होगा, उसको आप मर्ज नहीं कर सकते या ये नहीं मान सकते कि वो ऑल आउट नहीं है या दूसरा अंदर आएगा। बोनस की कोशिश, ये उठता हुआ शॉट, सचिन तवर कामयाब। बोनस भी और एक पॉइंट भी, पूरे फोर्स के साथ लेकर के चले गए। फासला सिर्फ एक पॉइंट का बाकी। पटना पायरेट्स ने फिर वापसी कर दी इस मुकाबले में। ये प्रॉपर्टी सीजन 10 है, बहुत ही जबरदस्त एस्केप सचिन का। बोनस लेने में कामयाब एडवांस आए थे मोहित, और इसके 38-37 केवल एक पॉइंट से लीड कर रही है दिल्ली। आशु मलिक के लिए एक बड़े रेड की जरूरत, और ये बड़ी रेड हुई है। दो पॉइंट लेकर जाएंगे आशु मलिक। नजदीक आते हुए भी इस तरह से अगर आप पॉइंट लूज करेंगे तो बात कैसे बनेगी। अंकित की गलती, एडवांस एंकल होल्ड की कोशिश, उसके बाद नीरज भी आए बहुत ज्यादा एडवांस। अगर तुम हो आंसू तो सचिन है आंसू। पटना पायरेट्स के सचिन तवर ने दो पॉइंट्स की रेड ली है। ये बोनस भी अटेम्प्ट किया, विशाल भारद्वाज को बाहर किया। सचिन तवर ने बोला तू डाल तो मैं पाप। सुपर टेन भी पूरा कर लिया, दोनों टीमें 39-39 की बराबरी पर। इंतजार किस बात का बताइए ऋषभ। बिल्कुल सही रणनीति है ये, अगर डू ऑर डाई रेड में दिल्ली ने पॉइंट लिया तो मैच गंवाना पड़ेगा पटना पायरेट्स को, इसलिए मनजीत ने पूरी रेड की है। बिल्कुल, दोनों टीमें इस मुकाबले को गंवाना नहीं चाहती। आखिरी लम्हों में टाई खेलना दोनों के लिए बेहतर है, क्योंकि टाई खेलने पर आपको तीन पॉइंट्स मिलते हैं।